दोस्तों, आजकल हर कोई खुद को प्रभावशाली बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ है। हर किसी को बहुत सारा पैसा कमाना है, पर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की भाग दौड़ के चलते हम खुद को भूल जाते हैं। अपने कल के चक्कर में अपने आज को जीना भूल जाते हैं, लेकिन वर्तमान को जीने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है। हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मानव का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह अपने वर्तमान में किए गए सारे कार्यों से अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करता रहता है, या फिर अपने अतीत पर विलाप करता रहता है। कोई भी अपने वर्तमान को ना तो जीना जानता है, ना ही उस पल का भरपूर आनंद ही ले पाता है। परंतु भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कितनी भी मेहनत कर ली जाए, लेकिन जब जीवन को परिभाषित करने की बात आती है तो यह सुख और दुख दो ही शब्दों में सिमट कर रह जाता है। और सुख और दुख हमारे जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो एक के बाद एक हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। यदि आज सुख है तो कुछ समय के बाद दुख का आना भी निश्चित है, और इसी प्रकार सुख दुख एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। यदि हम भविष्य के चिंताओं से मुक्त होकर अपने वर्तमान को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में ध्यान को एक व्यवस्थित ढंग से अपनाना होगा, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें वर्तमान के आनंद से साराबोर कर देती है। परंतु समस्या यह है कि हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उनके कारण हमारे मन में तुरंत यह लालसा उत्पन्न हो जाती है कि इसके करने से हमें क्या प्राप्त होगा, और यह लालसा हमें फिर से सुख और दुख के चक्र में फंसा देती है, जिसके कारण हम कभी भूतकाल और भविष्य के चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाते। आज मैं आपको गौतम बुद्ध और एक युवक की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी खुद को ध्यान करने से रोक नहीं पाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक अपने कुछ प्रश्नों की खोज में बुद्ध के समक्ष जाता है और बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, क्या आप मेरे प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद वह युवक कहता है कि बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। दुखों ने मुझे इस तरह से घेर लिया है कि मुझे इन दुखों से मुक्ति पाने का कोई उपाय भी दिखाई नहीं देता। क्या आप इन दुखों के जाल से छुटकारा दिलाने में मेरी कोई सहायता करेंगे? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहाँ है दुखों का जाल? मुझे तो कोई जाल दिखाई नहीं पड़ता। तुम तो मेरे समक्ष बिल्कुल स्वतंत्र बैठे हो। इसके जवाब में युवक कहता है कि यह जाल तो मुझे भीतर से जकड़े हुए है, वह आपको भला कैसे दिखाई देगा? फिर बुद्ध युवक से कहते हैं कि क्या तुम इस बंधन को देख सकते हो? इसके जवाब में वो युवक कहता है कि हाँ, मैं इस जाल को भली भांति प्रकार से देख सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये सभी जाल तुम्हारे मन के द्वारा गढ़े हुए हैं। मेरे साथ चलो, आज मैं सत्य से तुम्हारा साक्षात मिलाप करवाता हूँ। फिर बुद्ध युवक को इशारा करते हुए अपने साथ चलने का आदेश देते हैं, और युवक बुद्ध के साथ गांव की ओर चल देता है। वह दोनों एक घर में पहुंचते हैं। वहां बहुत सी भीड़ जमा होती है और बीच में एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा होता है। बुद्ध उस आदमी के समीप जाकर बैठ जाते हैं और युवक को भी वहीं बैठने का इशारा करते हैं। फिर बूढ़ा आदमी बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, मेरे अंतिम समय में आप मेरे बुलाने से यहाँ उपस्थित हुए। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, क्योंकि मैं आपसे अपने कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे सवालों के जवाब केवल आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पधारने के लिए कष्ट दिया। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी आगे कहता है कि हे गुरुदेव, आज मैं मृत्यु शैया पर लेटा हुआ और मैंने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जिया है और हर पहलू को नजदीक से देखा, पर फिर भी मुझे आज अपना बचपन बहुत याद आता है। कितनी आजादी थी उन दिनों में, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, मन में कुछ पाने की लालसा भी नहीं हुआ करती थी। धन कमाने का कोई लक्ष्य न था और ना ही समाज को दिखाने के लिए कोई कृत्य किया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में, कैसे बचपन में मैं उमंग से भरा हुआ निश्चिंत होकर रहता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियां और भी बढ़ती चली गई। हर कोई किसी दूसरे की बराबरी करने में लगा हुआ था, तो लोग मुझे भी जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने को कहने लगे। परंतु पढ़ाई लिखाई में मैं उतना अच्छा नहीं था, तो कई बार मुझे दूसरों की ओर से निंदा का शिकार भी होना पड़ता था। लोग मुझे बहुत ताने देते थे,
कहते कि तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, दो रोटी कमाने के लिए भी कोई हुनर होना चाहिए। पर मैं ना तो खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में, फिर क्या था। मैंने भी जीवन में कुछ अच्छा करने की ठान ली, बहुत से कामों में हाथ आजमाया पर असफलता ही हाथ लगी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। अब तो मानो जैसे सफलता मेरे कदम चूम रही थी, मुझे व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था। वो लोग जो मुझे ताने मारते थे मेरे आगे पीछे घूमने लगे और कुछ दिनों के बाद एक सुंदर लड़की से मेरा विवाह भी हो गया। विवाह के कुछ सालों बाद एक बेटा और एक बेटी का पिता बन गया। अब मेरा परिवार पूर्ण हो चुका था। अब मेरे मन में मेरे बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। मैं उन्हें संसार की सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए। कुछ ही समय में मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन दुर्घटनावश मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं बहुत निराश हो गया, मैंने खुद को बिल्कुल अकेला पाया और अब मैं एकदम शांत और मायूस होकर रहने लगा। मेरे लिए एक एक क्षण मुश्किल था। बच्चों से मेरी ये दशा देखी न जाती थी, वो मुझे बहुत समझाते कि पिताजी जो हो गया उसे बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, किंतु इस प्रकार से दुखी होकर जीना और अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना भी पाप है। आपको जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो हम उसे पूरा करेंगे, आप हमारे परिवार की ऋण है, यदि आप कमजोर हो जाएंगे तो हम सब भी बिखर जाएंगे। बच्चों के इतना समझाने के बाद मैं भी समझ गया था कि अब बचा हुआ जीवन मुझे अपनी पत्नी के बिना ही जीना होगा। धीरे धीरे मैंने अपना मन फिर से व्यापार में लगा लिया और बच्चों की खुशी को ही अपनी खुशी मानकर अपने मन को समझा लिया। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे तथागत, मेरी पत्नी के देहांत के बाद से मैं खुद में एक परिवर्तन महसूस कर रहा था। मैं हमेशा सोचता रहता था कि आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, आखिर मेरे इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, जीवन क्या है, जीवन को कैसे जाना जा सकता है। मैं जीवन भर इन्हीं प्रश्नों की उधेड़ बून में लगा रहा। इस दौरान मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध अनेक प्रकार के ध्यान करने की प्रणालियां बताते हैं जिनकी सहायता से जीवन को समझा जा सकता है। मैं तो यह जान गया था कि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए ध्यान का सहारा ले सकता हूँ, लेकिन मैं यह सोचकर रुक जाता कि पहले स्वयं को इस असमंजस की स्थिति से बाहर निकाल लूं, अपने कार्यों से निवृत्त हो जाऊं, इसके बाद शांत चित्त होकर अपने मन को ध्यान में लगाऊंगा। यही सोचता रहा और मैं कभी ध्यान कर ही नहीं पाया। ऐसे ही समय बीतता गया और मैं बुढ़ापे की ओर चलता गया। कई बीमारियों ने मुझे घेर लिया। वैसे तो मैंने बहुत ही सुखपूर्वक जीवन जिया, मेरे परिवार ने भी मेरा खूब साथ दिया, मैंने खूब संपत्ति और संसाधनों को भी अर्जित किया। लेकिन फिर भी पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मेरा बचपन ही मेरा सबसे प्यारा समय था। वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब मैं कुछ ही घड़ी का मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे कोई ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिसकी सहायता से मैं जीवन को समझ सकूं, जिससे मेरे मन के भीतर चल रहे सारे असमंजस शांत हो जाएं और मैं एक चैन की मृत्यु को प्राप्त कर सकूं। इसके उत्तर में बुद्ध कहते हैं कि हमें अपना बचपन प्रिय इसलिए होता है क्योंकि बचपन में बालक आजाद होता है, वह बिना किसी द्वेष लालच या लोभ के सभी कामों को करने में जुट जाता है। किसी कार्य को करने के लिए उसे किसी विशेष कारण की आवश्यकता भी नहीं होती, बस वह मग्न होकर अपनी धुन में लगा रहता है। जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं वे अपने भविष्य की कामनाओं को पूरा करने में जुट जाते हैं। धीरे धीरे द्वेष और लालच जैसे भाव भी व्यक्ति के भीतर बढ़ने लगते हैं, वे कभी अपने वर्तमान को जी भी नहीं पाते। वहीं एक बालक अपने वर्तमान को पूरे आनंद के साथ जीता है क्योंकि उसके लिए कोई भविष्य कोई अतीत मायने नहीं रखता। तुमने अपना सारा जीवन अपने काम और परिवार पर निछावर कर दिया और तुम यही सोचते रहे कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद मैं सत्य की खोज करूंगा और उसके बाद ध्यान करूंगा। लेकिन सबसे आवश्यक बात हम भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता है, क्योंकि हमारी एक इच्छा पूरी होने पर हमारा मन नई इच्छाओं से भर जाता है और रोज कोई ना कोई अभिलाषा हमारे मन में पैदा होती रहती है। बस ऐसे ही जीवन गुजरता जाता है। और अब तुम्हें लग रहा है कि तुमने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि जो भी तुमने हासिल किया उसमें से तुम एक राई के आकार का दाना भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, और जो तुम्हारे साथ जाने योग्य था उसे तुमने आजीवन पाने की कोशिश भी नहीं की। यह सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है
कि बुद्ध, मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा दिया, परंतु क्या अब भी मैं परिपूर्णता के साथ मर सकता हूं? बुद्ध कहते हैं कि अब यह विचार करने का समय नहीं है कि तुमने जीवन को कैसे जिया, क्या पाया, क्या खोया। अब तुम अपने मन में यह भाव जागृत करो कि जीवन में जो कुछ भी जानने योग्य था वह मैं जान चुका हूँ, क्योंकि तुम जीवन की निर्थकता को जान गए हो। यही सबसे उत्तम बात है। अब तुम्हें इस जीवन से कोई मोह नहीं रहेगा और तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त करोगे। यही मृत्यु की कला है, क्योंकि जब तुम इस जीवन से खाली होकर मृत्यु को प्राप्त करोगे तो अगले आने वाले जन्मों में तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक जल उठेगा और तुम निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। परंतु इसके पहले तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी बहुत देर तक कोई भी प्रश्न नहीं करता और कुछ समय पश्चात ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए? यदि तुम्हें उत्तर मिल गए तो सभी को उनसे अवगत कराओ। युवक कहता है कि हे तथागत, मैं इस बूढ़े आदमी के जीवन से समझ चुका हूँ कि सुख दुख धन संपदा तो इस जीवन के चक्र के हिस्से हैं। इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता और इनके फेर में उलझकर हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में चलने वाली सभी घटनाओं के साथ साथ ही सत्य की खोज करनी चाहिए। आगे युवक कहता है कि हे तथागत, इस घटनाक्रम को देखने के बाद मैं ध्यान करने के लिए प्रेरित हुआ, पर आप मुझे बताएं कि ध्यान क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए बनी है। जब तुम किसी भी कार्य को पूरे एकाग्र भाव से करते हो तो तुम ध्यान की अवस्था में ही रहते हो, लेकिन बार बार मन में भटकाव के कारण हमारा ध्यान भंग होने लगता है। इसलिए ध्यान को लगाने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी सांसों को महसूस करो, उनके आवागमन पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। ऐसा करते समय तुम्हारे मन में बहुत से विचार उत्पन्न होंगे, लेकिन तुम्हें उन विचारों को साक्षी भाव से देखते रहना है। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सभी भाव गायब हो जाएंगे और तुम पाओगे कि अब तुम्हारे भीतर एक खाली मैदान बचा है, सारे प्रश्न उत्तर विलीन हो गए हैं। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि सांसें हमारा वर्तमान होती है, इन्हीं के आवागमन पर हम जीवित रहते हैं। सांसें ना तो भूतकाल में चलती हैं, ना ही भविष्य में, ये केवल आज में आपके वर्तमान में चलती हैं। और जब तुम अपने आज से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा ध्यान पक्का हो जाता है, तुम्हारा चित्त पहले की अपेक्षा स्थायी हो जाता है और आपके मन के सारे नकारात्मक भाव खत्म हो जाते हैं। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा आप में भर जाती है और यही सकारात्मकता आपके सभी दुखों को खत्म करते हुए एक नई सोच के साथ सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार दोस्तों, आज हमने इस कहानी से सीखा कि हम भूतकाल के पछतावे और भविष्य की लालसाओं को छोड़कर अपने वर्तमान को कैसे जी सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।